आज मैं शेयर करूंगी फिश की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो फ्रेंड्स सारे स्टेप फॉलो करिएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होती है। जब आप एक बार बना लेंगे तो हमेशा बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 kg रेहू फिश लिया है और इसे अच्छे से वॉश किया है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ये कम तीखा होता है और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम यहाँ पे कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे चम्मच की मदद से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सारे मसाले जो है वो चम्मच की हेल्प से ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और ये देखिए मैं आपको पीछे से उठा के दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से मसाले जो है वो इसके ऊपर छोड़ दे चुके हैं। तो चलिए इसे साइड रख देते हैं जब तक हम तेल गर्म करते हैं। अब यहाँ पे तेल जो है वो गर्म हो चुकी है, तो एक एक करके सारे पीसेस को डाल के फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को जो है वो हाई रखें, तभी इसकी सारे पीसेस जो है अच्छे से फ्राई होगी और क्रिस्पी बन के रेडी होगी। अब इसे पलट लेते हैं और दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। अभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है दोनों साइड से, तो इसे साइड करके इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। सारे फिश फ्राई होने के बाद ये जो तेल बची है इसे हम यूज़ करेंगे। ये देखिए सारे पीसेस जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है और बहुत ही क्रंची बन के रेडी हुई है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, जब तेल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच पचफोरन डालेंगे और पचफोरन चटक जाए तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज लिया था, इसे स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे लाइन गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये देखिए प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे सारे मसाले को एक एक करके ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, यही पर प्याज के पेस्ट को भी ऐड कर देंगे। एक बड़ा साइज का प्याज मैंने पेस्ट डाल लिया था, तो सभी को चला लेंगे। अब यहाँ पर नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालें। और यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल करके सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे चलाते हुए अच्छे से मसाले को भून लेना है ताकि जो मसाले या कच्चा पड़ है वो अच्छे से खत्म हो जाए। ये बचे हुए तेल जो है जो फिश फ्राई किया गया था ये सारे तेल को भी डाल देंगे, इसलिए मैंने मसाले तैयार करने के लिए कम तेल का यूज किया था। मिक्स करके सारे मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। मसाले जो अच्छे तरीके से भून चुके हैं, ये देखिए मसाले जो है वो तेल को छोड़ने लगे हैं। अब ये मसाले जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे, आपने क्वांटिटी के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी यूज किया है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे
ताकि एक बॉयल आ जाए इसमें। तो देखिए ये अब उसे एक बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे हम सारे पीसेस को एक एक करके डालते जाएंगे। अब यहीं पे कस्तूरी मेथी डाल देना है और इसे ढक करके 4 से 5 मिनट से भी कुक करना है, क्योंकि फिश जो है वो पहले से ही गले हुए है। फिश को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन हटा के देख लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से फिश जो है वो पक चुकी है, ये बिल्कुल बन के रेडी है। अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है, मसाले जो है एकदम सही है, फिश भी हमने अच्छे से फ्राई किया था, ये परफेक्ट बनकर रेडी है। आप इसे प्लेन राइस या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस सुपर टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नई रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।